नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम आए हैं अल्मोड़ा में और अभी घूम रहे थे तो ज़्यादा तला भुना खाने का मन नहीं था, तो अभी हम जंगल में आए हुए हैं। हमने सोचा हम खुद ही खाना बनाते हैं, तो यहाँ हम इंतजाम कर रहे हैं लकड़ियों का। लकड़ियाँ हैं जो अंशु ने बीनी हुई है, वो गाइस घास है जो सबसे जल्दी आग पकड़ती है। हाँ, तो ये घास भी इकट्ठी की है। कृष्णा भी कुछ इकट्ठी करने गया है, वो भी कुछ लेके आ रहा है, और मैं तब तक यहाँ स्टार्ट करती हूँ खाना बनाना। आग जलाओ। ओके बेबी। बैगन अब भुनेंगे, हम बैगन का भरता बनाएंगे। और ये शो व्यू दिखाओ जरा, हम कहाँ पर है पूरा। अभी बनेगा हमारा बैगन का भरता। तो यहाँ फूकना भी बढ़ रहा है क्योंकि आग थोड़ा धीमे धीमे हो रही है। ये लोग घास लाला की बार बार डाल रहे हैं और मैं लकड़ियां बिछा रहा हूँ उसके ऊपर। हाँ, ये क्यों बिछाई जा रही है? ये इसलिए कि ये थोड़ा गर्म हो जाएंगी ना, फिर इसके बाद सिलेंडर डालेंगे, इसलिए कर रहे हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा हो गई है, हालांकि अंदर होने लग गया है, लेकिन अभी एक बैगन बाहर है, तो हम कोशिश करेंगे इसको भी लगाने का। डालो बेटा, कितनी घास डालोगे? साइड में लेकिन मत डालो। हाँ, इसको कितना धुआं हो रहा है। धीरे धीरे अब होने लग गई है, ठीक ठीक अब खाना बनने लायक हो जाएगी थोड़ी देर में। तो हम लाए हैं, इसमें क्या है ऊपर और हम आटा भी लाए हैं। आटा वाला थैला लेके आओ, जाओ आटा वाला थैला लेके आओ। बैगन के भरते के लिए सब लोग इनवाइटेड हैं। आओ सब लोग खाना खाओ आगे।
दो बैगन भुंज गए हैं और तीन अभी इसमें है। उसको कितना टाइम लगेगा? बस थोड़ी सी देर और लगनी है। अभी नहीं, अभी बहुत सारी। तो बैगन बनाने की तैयारी हो ही जा रही है। अभी ये टमाटर कट करेंगे, प्याज भी और लहसुन भी दोनों। ये भरते में दोनों पड़ेंगे, फिर ये भरते में दोनों पड़ेंगे। देखना कितना टेस्टी बनेगा। ठीक है, छील के फिर इनको अच्छे से साफ करके और मैश करके फिर वो भरते में पड़ेगा। भरता बना सारी तैयारी हो रही है बैगन का भरता बनाने की। ये टमाटर सारे कट करने हैं अभी, इसके बाद लहसुन भी और प्याज भी। ये सब पड़ेगा अभी भरते में, देखना कितना टेस्टी बनेगा। और ये देखो, ये भुने हुए बैगन है, अभी थोड़ा ठंडे हो जाना, फिर इसको छीलना है। ठीक है, छील के फिर इनको अच्छे से साफ करके और मैश करके फिर वो भरते में पड़ेगा। बहुत गर्म हो रहा है, दूर तक आँच आ रही है इसके। अब प्याज कट कर लेते हैं और टमाटर हो चुका है, लहसुन यशु छील रही है अभी, हम तब तक प्याज कट कर लेते हैं। कृष्णा को बहुत तेज भूख लगी है ना? कितनी तेज लगी है? हम भगवाना रखने जा रहे हैं, ये रख दिया हमने। ठीक है, अब इसको गरम करके सबसे पहले हम डालेंगे इसमें घी। वाह, घी तो है। भगवाना गरम होने लग गया है। पानी पीजिए, नहीं तो पानी पानी। पीछे बॉटल दे रही हूँ। अब घी गरम हो रहा है, जैसे ही गरम हो जाएगा वैसे ही हमें उसमें लहसुन डालने हैं। लहसुन कुछ पीस रह गए हैं जो कटे नहीं हैं, तो मैं इनको काट लेती हूँ। लहसुन कटिंग हो रही है, कुछ पीस बच गए थे जो हमने बाद में छीले हैं। ये लहसुन हो गया और घी भी गर्म हो चुका है ऑलमोस्ट। तो अब थोड़ा दूर रखिएगा। लहसुन डाल दिया है, क्या जाएगा। वाह, अभी लहसुन भुन जाए इसमें। लहसुन भुनने के बाद फिर हम प्याज डालेंगे, प्याज के बाद फिर हम टमाटर डालेंगे। ओके, तो लहसुन तो हो गया करना है। हाँ, लहसुन तो फास्ट हो गया है, बहुत जल्दी, क्योंकि आंच तेज है। तो अब हम प्याज डालने जा रहे हैं। ये हमने प्याज डाल दिया है और इसको हम ऐसे चला भी देंगे। हमें डालना है टमाटर। ओके, टमाटर रखा नहीं है ना? हाँ, प्रॉपर रखा नहीं है ना, हिल रहा है। प्रॉपर रखा है, ये देखो। हाँ, एक ही थोड़ा ऊंची हो रही है, बट उससे कुछ कोई दिक्कत नहीं होगी। मिर्च लाए थे हम, पर मिर्च सूख गई है। जरा हम मिर्च भी लाए थे पर मिर्च सूख गई है। ठीक है, प्याज लगभग होने वाला है, है ना? हाँ। यहाँ पे किचने घास डाल दी थी, देखो। हाँ, शैतान लड़का है, उसी को निकाल दी थी मैं। यहाँ से वहाँ डाल दी, मम्मा उसी को निकाल दी है। निकल गई। अब ये देखो, प्याज भी ऑलमोस्ट होने ही वाला है। ठीक है, मैं लकड़ियों को थोड़ा और अंदर कर देती हूँ। गरम हो रही है।
गरम के साथ साथ थोड़ा टेढ़ी हो गई है, तो हमें इसको बराबर लेवल पर ही रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ है रखने को? अभी देखते हैं, इसको हमने दोबारा से रख दिया है, अभी नहीं प्रॉपर है। ठीक है, दो प्याज, यहाँ पे प्याज चलाएंगे, प्याज टमाटर, सॉरी टमाटर ये हो गया टमाटर, और टमाटर के साथ हो गई मिर्ची। अब इसको चला देती हूँ ऐसे। धनिया भी है, धनिया लास्ट में पड़ती है बेटा। ठीक है, अब जो बनाओगे पड़ेगी, ना धनिया पड़ेगी और ना ही कोई गरम मसाला पड़ेगा। बिना मसाले के ही टेस्टी बनेगा ये। मिर्च डाल चुकी हूँ, पड़ेगा तो नमक। अब जब तक बैगन का भरता अच्छे से भुन रहा है, रेडी हो रहा है, तब तक आटा गूंद लेते हैं। धनिया कट करके तो इसको डाल देंगे भरते में। अब धनिया डाल देते हैं, धनिया का टेस्ट ऐड हो जाएगा इसमें। इसके बाद ये कम्प्लीटली बन जाएगा और इस तरह चलाते रहना जिससे अच्छे से मिक्स हो जाए। मतलब कि जैसे एक बार बैगन को उसमें भुनना होता है, वैसे एक बार इसमें भगोने में भी भुनना होता है। अब ये देखो इसका रियल कलर देखो, ये वाओ कितना टेस्टी लग रहा है कितना अच्छा लग रहा है ना। ये कंप्लीट हो चुका है अब। ठीक है, भरता हो गया, अब चलो रोटी की तैयारी की जाए। ये इस तरह से बनने वाली हैं रोटियां हमारी। एक हमने डाल दी है ये, और एक और अभी हम बना रहे हैं। ये आ रही है, जब जंगल में हो, हुरसा बेलन ना हो, तो इसी तरह हाथ से ही बेलनी पड़ती है। ये देखिए बनने लगी, देखो फूल भी रही हैं। हाँ, प्यारी प्यारी सी रोटियां बननी स्टार्ट हो गई हैं। अरे अम्मा आ जाओ, खाना खा लो, आओ। नहीं नहीं कम पड़ेगा, नहीं कम पड़ेगा, आ जाओ, पड़ेगा है। आ जाओ, जा तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, खाना खाए जब नहीं रखा है बिल्कुल। आ जाओ पेट भर के खा लो, आओ। काम तो भी है, जा। बर्तन वर्तन कुछ है? नहीं है मेरे पास, बर्तन नहीं है, दे रहे हम। एक प्लेट होगी साइड, उसमें लगा दो। टमाटर ये लो आमा, तुम्हारे लिए कम नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बैठ जाओ, तुम पेट भर के खाओ। हमारा कम नहीं पड़ेगा, हम खूब लाए हैं, जैसी हमारी ईजा वैसे तुम। ओए जा हो चुका है, और
अब हम ये पैकिंग कर रहे हैं और हम यहाँ चाहते हैं कि सारी चीजें, कोई भी चीज हम फैलाएं नहीं, सब कंप्लीट करके एकदम से निकले। तो हम सभी लोग खाना खा चुके हैं और हम लोग कूड़ा समेट रहे हैं जितना भी हमने फैलाया था खाया हमने। कुछ माचिस ही अलग रखनी है और जो बच्चा था हमने सेट कर लिया है, मैं जाके दिखा लूंगी। ये यहाँ पे सब कूड़ा हमने समेट दिया है जिससे कोई भी चीज रहे ना, और ये आग बंद कर दी है हमने और जाली रह गई थी तो ये उठा लिए। ये इतना कूड़ा है तो ये कहीं डालना होगा साइड में, भी हम यहाँ डाल के इकट्ठा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो ये इकट्ठा कर देंगे सारा कूड़ा, ये कर दिया। तो ये आग हमने बंद कर दी है और सारा एरिया ये कम्प्लीटली साफ कर दिया है और सभी चीजें यहाँ से, मतलब कि ऐसा ना हो कि हम यहाँ पर आए, हमने खाना बनाया और इसके बाद हम यहाँ जगह जगह फैला के चले गए, वहाँ बॉटल पड़ी हो या वहाँ पर चिप्स के रैपर पड़े हो या कोई भी कूड़ा पड़ा हो। खाना दिया। हाँ, फिर आमा आई, आमा को खाना खिलाया और क्या किया, ढेर सारा आशीर्वाद उन्होंने दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक दिन पहले से खाना नहीं खाया था, अकेले थी, असहाय थी, बहुत सारा आशीर्वाद हमें देके गई। तो फाइनली अब शाम हो चुकी है, मुझे भी मोबाइल की टॉर्च में ये बोलना पड़ रहा है क्योंकि अगर ऐसे वीडियो बनाते तो नहीं दिखाई देता। तो अब हम बैक टू हल्द्वानी, बाय बाय। तो सब हम सब लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में, बैक टू हल्द्वानी जाना है। तो खाना वाना कंप्लीट हो गया, अब रास्ते में कहीं रुकना नहीं है, सीधे हल्द्वानी जाएंगे। और बहुत मजा आया, शुद्ध पहाड़ी खाना खाया, बहुत अच्छे से जंगल में बैठ के बनाया। बच्चों कैसा लगा खाना सभी को? बहुत टेस्टी, रियली बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया। आज की शाम बहुत अच्छी रही। बाय बाय, गुड बाय, जय कान्हा जी।